लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो जमाना इनके संग राजा के घर के करीब मदारी का एक बंदर भाग जाता है। शाकाल के आदमी मदारी के बंदर को रैंचो समझकर उसे जहरीला केला खिला देते हैं। इधर रैंचो ये नजारा देखने के बाद उन दो बदमाशों का पीछा करता है। उधर राजा मदारी के बंदर को रैंचो समझकर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करता है। वहां शाकाल और जैंगो राजा को मारने की एक साजिश तैयार करते हैं। रैंचो अनाथ आश्रम पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले जैंगो वहां पहुंचकर राजा को गोली मार देता है। अब आगे
डॉक्टर, अब राजा कैसा है? शुक्र है भगवान का कि गोली उसके दिल पे नहीं लगी। तो उसने एक ताबीज पहना हुआ था, गोली उस ताबीज पे लगी और राजा बच गया। मतलब अब राजा ठीक है? जी हाँ, और कुछ ही देर में उसे होश आने वाला है। थैंक्स डॉक्टर। मैं शुक्रगुजार हूं इस फकीर का जिसने मुझे यह ताबीज दिया। इसने उस गोली को झेल लिया, वरना दुश्मनों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी थी। राजा साहब, अभी जाके मैं फोन करता कमिश्नर साहब को और बोल देता कि आप ठीक हो गए। बिल्कुल नहीं, एक मिनट बैठ जाओ यहां, सच है। क्यों सर? कमिश्नर साहब को यह बात बिल्कुल मालूम नहीं चलनी चाहिए कि मैं एकदम ठीक हूं ना। इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जाली नोटों का रैकेट है ना, इसमें सिर्फ आस्तीन के सांप ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल माफिया शामिल है। सर फिर आगे क्या करना है? I'll tell you। कल सुबह के अखबारों में ये खबर छप जानी चाहिए कि ऑपरेशन टेबल पर राजा खत्म हो गया। यस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स I'll tell you। Come close. मगर मरने से पहले उसने जो कारनामा अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। राजा तो मर चुका और रैंचो नाकाम हो गया। इसका मतलब अब हम हमारा धंधा बिना रोक तो जारी रख सकते हैं। लेकिन बॉस, इस बात की क्या गारंटी है कि राजा मारा ही जा चुका है? रीता, तुम जंगों को नहीं जानते थे। उसका निशाना एकदम पक्का था और एक काम जब वो हाथ में लेता था उसे हमेशा पूरा करता था। फिर भी तुम चाहो तो जॉनी को भेज कर तसल्ली कर लो। आज शाम को राजा का अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। क्यों भाई, ये किसका दाह संस्कार हो रहा है? तो नहीं लेकिन शक जरूर है कि उस आदमी ने मुझसे पूछा था राजा के बारे में, इस चिता के बारे में। या तो वो अपराधी था या फिर अपराधी का मुझे सर वो अपराधी वाली फाइल लगा दो, वहीं से कोई क्यू मिल जाए। यस सर। Thank you.
शक्ल तो इसकी उससे काफी मिलती जुलती है। तुम जरा इसकी हिस्ट्री शीट पढ़ो। नाम है जॉन डिकोस्टा। प्यार से लोग उसे जॉनी कहते हैं। आज से 10 साल पहले स्मगलिंग के जुर्म में जेल काट चुका। दो बार भी पकड़ा गया लेकिन सबूत के अभाव में उसे पकड़ा गया। पता ठिकाना क्या लिखा? पता तो है लेकिन 10 साल हो गए और जरूरी ये नहीं कि वो आज भी वहीं होगा। हमारी बात ठीक है सुनील, लेकिन पता करने में क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये आदमी पकड़ा गया था तो ये अकेला था या इसके साथ कोई और लोग? हाँ सर, उसके साथ दो साथी थे। एक का नाम था माइका और एक लड़की थी रीता। लेकिन उन दोनों के पते हमारे पास नहीं। क्या नाम बताया तुमने? माइकल। पूरा नाम? माइकल सैमसन। चाकू का बड़ा शौक था, आग पर पट्टी बांधकर। मुझे लगता है कि मैं इस नाम से परिचित हूँ, मैंने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना है। आपने सुना? हाँ, यस यस, मुझे याद आया। कुछ साल पहले जब मैं गोवा में रहता था तो वहाँ एक फंक्शन में मुझे इन्वाइट किया गया। वहाँ माइकल सैमसन नाम के किसी आदमी ने चाकूबाजी के कतल दिखाए थे। मुझे पता चला कि चाकूबाजी के कतल दिखाना सिर्फ उसका शौक है। दरअसल में उसका सही बिजनेस जो है वो रेस्टोरेंट का है मुंबई में, माइकल कॉर्नर के नाम से। अगर ये हो सकता है सर, और चाकू का पता इसी चल। अच्छा बात बताओ सुनिए, जिन दिनों ये लोग जेल में थे उन दिनों कोई ऐसी खास घटना होती हो जो ये सब याद करते हैं, मतलब इन सबको याद हो? हाँ सर, उन दिनों कैदी ने जेल की खोज की। उसका कहना था कि जेल में कोई बात नहीं, उसका काफी चल रहा। क्या नाम था उसका? कैसे कैसे बुझाने वाला, मतलब यस सर। वो सिपाही मुझे मिल सकती है? यस सर, ऑफिसर आ गए। सर अब आगे क्या करना? तुम एक काम करो सर, अपने दो जवान सादी वर्दी में उस रेस्टोरेंट में तैनात करवा दो। यस सर, बाकी का काम मैं अपने तरीके से करूंगा। और हाँ याद रहे, मुझसे हमेशा संपर्क बनाए रखना। सर लेकिन आप अकेले? और एक अकेला केहर सिंह सवा लाख के बराबर होता है, सवा लाख के बराबर।
थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए, हमारे भी ऐसे खाट खाट हो जाने दीजिए। सरदार जी, आजकल धंधे में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है, किसी धंधे में कोई फायदा नहीं। कमाल बात कर रही जी आप, मैं तो दो नंबर के धंधे की बात कर रहा हूँ जनाब, तुम्हें सब पता है। मैं पूछता हूं तुम्हें यहां का पता किसने बताया, बोलो वरना गोली मार दूंगा। जी कमाल की बात कर रहे हैं माकलपा जी आप तो, मैं जनाब आपसे मोहब्बत में दोस्ती में बात किए जा रहा हूं, आपने रिवॉल्वर तान लिया। मैंने तो सुना था जनाब कि आपको चाकूबाजी का बड़ा शौक है, बड़े माहिर हैं आप उसमें, फिर ये तमंचा किस लिए जनाब? अपने चाकू पर से भरोसा उठ गया आपका। ठीक है, अगर तुम चाकू से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें चाकू से ही मारूं, लेकिन मैं तो तुम्हारा ख्याल कर रहा था क्योंकि चाकू से मरने में तकलीफ बहुत होती है। सेंट्रल जेल में हुआ करते थे, याद आया? अरे हाँ, उन दिनों एक केहर अड्डा नंबर 2 पर पहुंचे, ठीक है? ओके।